अब पिज्जा तो आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा, लेकिन मासूम से दिखने वाली ये दो अजीब प्राणी जो बदकिस्मती से मेरी बहनें हैं, इन दोनों ने आज तक पिज्जा नहीं खाया है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने भी एक बार ही पिज्जा खाया है। अब मेरी दोनों बहनें पिछले 10 से 15 दिनों से मुझसे कह रही थी, अब यार ब्लॉग के लिए मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, तो सोचा चलो इनको पिज्जा ही खिला देते हैं, ब्लॉग का ब्लॉग बन जाएगा और ये अजीब प्राणी पिज्जा खा लेंगी। फिर मैं जल्दी से जोमेटो खोलकर पिज्जा ऑर्डर करने लगता हूँ, लेकिन तभी अचानक पता नहीं कहाँ से नीरज और लल्लू भी आ जाते हैं। फिर क्या, अब मैं सबके लिए पिज्जा ऑर्डर करने लगता हूँ, लेकिन यार जोमेटो अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उससे तो पिज्जा ऑर्डर हुआ नहीं, तो हम पिज्जा लेने सीधा पिज्जा किंग आ जाते हैं। मैडम जी बोलती हैं 10 मिनट इंतजार करो। हम इंतजार तो करते हैं, लेकिन अचानक मुझको दिखता है एक बहुत बड़ा पिज्जा। मजाक से हटके अगर ये पिज्जा असली होता तो भाई मौज ही आ जाती। अब जब मैं पिज्जा लेकर घर आता हूँ तो मेरी सबसे छोटी बहन ओवर एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि यार ये पहली बार पिज्जा खाने वाली थी, और अचानक यार पिज्जा की छीना झपटी होने लगती है। खैर हम सब लोग मिलकर प्यार से पिज्जा तो खा लेते हैं, लेकिन इन सभी खाली डिब्बों को फेंकने की जिम्मेदारी मिलती है हमारे लल्लू को।